घटना हुई है ये केवल पहली घटना नहीं है केलाड़ के अंदर, ये केलाड़ के अंदर दूसरी घटना है। और बार बार प्रशासन जो हमको इसी प्रकार से आश्वासन देता है कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके परिजनों को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। यही घटना जो है गंडोसू के अंदर हुई, गुजरू के द्वारा एक आदमी की हत्या की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। यही घटना कल उधर भद्रवा के अंदर हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंजलि देवी का मर्डर किलो मोहल्ला के अंदर होता है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए ये सीधा सीधा क्लियर बात है कि जो लोग जिस लड़के की हत्या हुई है उसके बाप को कल से अपने पास रखे हुए थे। जब सुबह हम अस्पताल में पहुंचे, हमने कहा कि पहले FIR लगेगी, लेकिन उन लोगों ने जिस बेटे की हत्या हुई उसके बाप को अपने साथ रखकर ना जाने क्या उसको धमकाया है और वहां से अपनी गाड़ी में अपने उस बाप को लाकर यहां पहुंचाया। इसलिए जो लोग कल्पित को प्रो कर रहे हैं उनको तुरंत अंतर किया जाए, वो खुद बताएंगे कि हत्या हुई है क्या हुआ है। इसलिए प्रशासन अपना समय जाया ना करे, यहाँ पर हम अनुशासन में रहकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करे और उन लोगों को तुरंत अंदर करे जिन्होंने अभी भद्रवा से गाड़ी में इनको यहाँ लाया और इस बेटे को जल्दी जल्दी दफनाने की जिनको लोगों की जल्दी थी सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इन लोगों को तुरंत अंदर लिया जाए जो इस प्रकार के सबूत मिटाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को यहाँ रहना है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही डिमांड है कि जो लोग प्रो कर रहे हैं वो सबके सामने प्रशासन के ध्यान में है, उनको अंदर करो। मुझे शर्म आती है इन लोगों को, ये कहते हैं कि बाप ने FIR नहीं लगाई। भाई बाप के बेटे की हत्या हुई है तो उसने क्या FIR लगाने जाना है? ये पुलिस प्रशासन का काम है तुरंत जो इस केस को जल्दी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उसके दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को अंदर लिया जाए, वो खुद बताएंगे मर्डर किसने किया है। बस यही कहकर सभी लोग यहाँ रहेंगे तब तक कोई नहीं उठेगा। We want justice! We want justice! We want justice!